हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा है एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स, मींस यूनिट नंबर 2 हमारा अभी रनिंग में है। हमने इसके ऊपर बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स थे सीरीज सर्किट पे बेस वो हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द पैरेलल नेटवर्क पे बेस्ड, मींस अब हमारे कंपोनेंट यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो हम उन न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें अब उसको सीखना है। न्यूमेरिकल्स की आपको कंटिन्यू वे में प्रैक्टिस करनी है जिससे आपके कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर को गेन कर सकें। क्लियर है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एसी। आइए आपके बोर्ड पे देखिए ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है आपका न्यूमेरिकल। एक 40 ओम रेजिस्टर, 0.2 हेनरी इंडक्टर एंड 100 माइक्रो फैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। किसके साथ कनेक्टेड है? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ। क्या फाइंड करना है? करंट, पावर फैक्टर एंड ट्रू पावर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक रेजिस्टर है आर, कितना है 40 ओम। इंडक्टर है हमारे पास 0.2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 100 माइक्रो फैरड। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। चलिए कनेक्ट करते हैं। एक रजिस्टर है आपके पास, ये लीजिए आर, एक इंडक्टर है हमारे पास एल, एक कैपेसिटर है हमारे पास सी, कनेक्टेड है पैरेलल में किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। कितना है सोर्स? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर एल सी। क्लियर है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे सप्लाई करंट, मींस सप्लाई करंट जो कि सोर्स से निकल रहा है, मींस ये टोटल करंट कितना हो गया आई। जब ये करंट आगे जाएगा तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच कंपोनेंट सेम होगा, मींस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर भी 230 वोल्ट रहेगा, अक्रॉस इंडक्टर भी 230 वोल्ट रहेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी 230 वोल्ट रहेगा, बट करंट कितना रहेगा इसके अक्रॉस? अज्यूम करते हैं आईआर है, इसके अक्रॉस इंडक्टर से आईएल है और यहाँ पे कैपेसिटर से आईसी है। यदि हम यहाँ पर आईआर, आईएल और आईसी को सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इनका वेक्टर सम हमें क्या प्रोवाइड करेगा? टोटल करंट। अब हमें करंट की रिक्वायरमेंट है तो करंट क्या होगा? वी अपॉन जेड, और जेड हमारा होता है इंपीडेंस, मतलब हमें यहाँ पर सेपरेट सेपरेट फर्स्ट वन इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है एंड कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टर दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है एंड कैपेसिटेंस दे रखा है। नाउ सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है? 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। ये पैरामीटर हमें सारे गिवन है। नाउ हम पहले निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हम बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस तो XL इक्वल्स टू कितना होता है? ओमेगा L। ओमेगा कितना होता है सर? 2 पाई एफ L। चलिए 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 314। 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 314 मल्टीप्लाई 0.2। तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस यहां से कैलकुलेट हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई 0.2 62.8 ओम। अगेन अब हम निकालेंगे यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू कितना होता है? 1/ωc। 1/ωc कितना हो जाएगा भाई? 2πfc। वैल्यू पुट करते हैं 314। सी की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो मींस 10 की पावर -6। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 314 00 हो जाएगा 10 की पावर 6
डिवाइड करना है हमें 31400 से, हमें वैल्यू मिलेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की 31.84 ओम। या क्या हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैलकुलेट हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, मींस हमने यहां से आर भी पता लग गया, इंडक्टर के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट हो गया, कैपेसिटर के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कैलकुलेट हो गया। नाउ अब हमें फाइंड करना है सेपरेट करंट। नाउ करंट आई आर की वैल्यू किससे इक्वल होगी, आई आर इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है 230, आर कितना है 40, 230 में 40 का डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 5.75 ओम। करंट थ्रू द इंडक्टर कैलकुलेट करते हैं, V अपॉन XL, V वही 230 वोल्ट, XL की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 62.8, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट, इंडक्टर के थ्रू हमारे पास करंट आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 62.8, वैल्यू मिलेगी 3.66 एम्पियर करंट है, एम्पियर एम्पियर। अगेन करंट थ्रू द कैपेसिटर कितना हो जाएगा V अपॉन XC, V कितना है 230, XC की वैल्यू कितनी है 31.84, तो हमारे पास IC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 230 डिवाइडेड बाय 31.84, मिलेगा हमारे को 7.22 एम्पियर। ये हमारे को मिल गया करंट थ्रू द रेजिस्टर, करंट थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू द कैपेसिटर, IR, IL एंड IC। यहां तक क्लियर है, जल्दी से करो इसको पूरा या स्क्रीनशॉट लीजिए, डन। अब देखिए आगे हमें IR, IL एंड IC, करंट थ्रू द रेजिस्टर, करंट थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू द कैपेसिटर कैलकुलेट हो गया, तो क्या करेंगे नाउ, नाउ द टोटल सप्लाई करंट जो हमारा ए पार्ट है, नाउ सप्लाई करंट, अब हम सप्लाई करंट को कैलकुलेट करें, सप्लाई करंट कितना है आईआर, याद करिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अपन क्या करते थे, वी इक्वल्स टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस जे वी सी, यहाँ पे करंट की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे करंट आई, आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी आई आर की, इंडक्टर में हम वोल्टेज को लिखते थे प्लस जेवीएल, क्यों, क्योंकि इंडक्टर में वोल्ट करंट क्या करता है लीड, अब यहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट फैल रहा है तो वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया, तो इस केस में हमारा इंडक्टर क्या हो जाएगा माइनस का जेआईएल और ये हो जाएगा प्लस का जेआईसी, इसका क्लियर है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं आई इक्वल्स टू आईआर कितना हो जाएगा 5.75 माइनस जे आई ए कितना हो जाएगा 3.66 प्लस जे आई सी हमारे दे रखा है 7.22, सप्लाई करंट 5.75 प्लस जे, इसमें इसको माइनस कर दीजिए 7.22 माइनस 3.66 कितना मिल रहा है 3.56 एम्पियर, किस फॉर्म में है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किसमें फाइंड करना होता है करंट हमेशा पोलर फॉर्म में, नाउ इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म हमारा करंट हो जाएगा पोल 5.75 कोमा 3.56 ब्रैकेट क्लोज, करंट हो रहा है 6.76, एंगल आ रहा है हमारे पास 31.76 डिग्री एम्पियर, ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर सप्लाई करंट, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, चलो करो इसको पूरा एक बार, जैसे ही हमारे पास सप्लाई करंट कैलकुलेट हुआ अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, बी,
पावर फैक्टर के लिए, पावर फैक्टर आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर एंगल जो है करंट का वो पॉजिटिव ही आ रहा है, मींस करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड का मतलब आपका सर्किट या जो नेटवर्क है वो कैसा होगा, कैपेसिटी नेचर का होगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई, कोस एंगल कितना है 31.76 डिग्री, वैल्यू पुट करिए कोस 31.76 वैल्यू आ रही है अपने पास 0.85, तो पावर फैक्टर कितना हो गया 0.85, नेचर कैसा होगा लीडिंग, ये लीजिए सेकंड का आंसर। थर्ड पूछ रहा है हमारे से ट्रू पावर, ट्रू पावर क्या होती है, ट्रू पावर रियल पावर, रियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है P = VI cos φ, वोल्टेज कितना है RMS वैल्यू 230, करंट कितना मिल रहा है RMS में 6.76, पावर फैक्टर कितना कैलकुलेट किया है 0.85। चलिए तो आपके पास रियल पावर या ट्रू पावर कितना कैलकुलेट हो जाएगा 230 × 6.76 × 0.85, वैल्यू आई क्या हमारे पास 1321.58 वॉट, ये आ गया हमारे पास थर्ड का आंसर। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, हमने कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कर लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको पूरा करो जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। आइए देखिए आपकी बोर्ड पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन नेटवर्क, आपको अब नेटवर्क गिवन है, फाइंड करना है हमें सप्लाई करंट, मतलब टोटल वोल्टेज सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई फाइंड करना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना है, एंड हमें पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर टू ब्रांचेस गिवन है, एसी सप्लाई के साथ पैरेलल में टू ब्रांचेस लगी हुई है, एक में ओनली प्योर इंडक्टर लग रहा है और सेकंड ब्रांच ये ले लिया है जिसमें आपका रेजिस्टर है कैपेसिटर सीरीज में लग रहा है और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्टेड है किसके साथ, इंडक्टर के साथ। तो इसको स्टार्ट करते समय यदि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट वन हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है एक तो टोटल सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 25 ओम, इंडक्टेंस गिवन है 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस गिवन है 200 माइक्रोफेरड, ये पैरामीटर्स हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है टोटल सप्लाई करंट और ये सप्लाई करंट किसके इक्वल होगा I1 एंड I2 के सम के इक्वल होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है, मींस हमें करंट फाइंड करना है इन द ब्रांच 1, हमें करंट फाइंड करना है इन द ब्रांच 2। अब ब्रांच में करंट कब फ्लो करेगा, इस ब्रांच में करंट कितना होगा V/upon इस ब्रांच का इंपेडेंस, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है Voltage/upon सेकंड ब्रांच का इंपेडेंस। तो हम 1/1 एक ही ब्रांच को कंसीडर करते हैं, क्या लिखेंगे 4 ब्रांच फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी ब्रांच ली है फर्स्ट, इस ब्रांच में क्या लग रहा है इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.1 है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी XL = ωL, XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा कितना होता है हमारा 314, ये तो ही क्या ना 314 × 0.1 कितना हो गया 31.4 ओम, ये आ गया हमारे पास ब्रांच वन, इस ब्रांच का ये हमारी कौन सी ब्रांच है ब्रांच वन, ये कौन सी ब्रांच हमने कंसीडर करी है ब्रांच टू, ओके तो ब्रांच वन का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट हो गया, तो हम इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रांच फर्स्ट का, तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा
Z1 इंपीडेंस ऑफ ब्रांच 1 कितना हो जाता है R प्लस JXL, R की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, 0 प्लस J 31.4 ओम, या क्या हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू। जैसे ही हमने यहाँ पर इंपीडेंस कैलकुलेट किया ब्रांच फर्स्ट पर, नाउ करंट इन ब्रांच 1 कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन Z1, V कितना है 230 अपॉन Z1 कितना है 0 प्लस J 31.4। ऑब्जर्व करिए ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कभी भी डिवाइड करते हैं किस में करते हैं, पोलर फॉर्म में। तो हम पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 230, अप्लाई करो वैल्यू आ जाएगी 31.4 एंगल 90 डिग्री, डिवाइड करिए 230 डिवाइडेड बाय 31.4, हमारे पास करंट इन द ब्रांच 1 कैलकुलेट हो जाएगा 7.325, एंगल कितना आ जाएगा माइनस का 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारे पास करंट इन द ब्रांच फर्स्ट। यहां तक क्लियर है, हमने क्या किया है, हमने ब्रांच 1 को पहले कंसीडर किया, उसका इंपीडेंस कैलकुलेट किया, देन हमने ब्रांच 1 में करंट को कैलकुलेट किया। अगेन हम करेंगे ब्रांच 2 को कंसीडर, फोर ब्रांच 2, जब हम ब्रांच 2 पे मूव करेंगे तो ब्रांच 2 के लिए अगर हम बात करें, पहले हमें निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है कैपेसिटर लग रहा है। XC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा C, मींस ओमेगा हो गया 314, C है हमारा 200 माइक्रोफेरेड 10^-6, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना कैलकुलेट हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई 200 10^6 डिवाइडेड बाय 6200, हमारे को कैपेसिटी रिएक्टेंस मिलेगा 15.92 ओम। नाउ इंपीडेंस कितना हो जाएगा ब्रांच 2 का, इंपीडेंस सेकेंड ब्रांच का इंपीडेंस हो जाएगा R माइनस JXC, R की वैल्यू कितनी है 25 माइनस JXC कितना है 15.92, तो हमारे पास इंपीडेंस सेकेंड का हमारे को कैलकुलेट हुआ है किसमें, पोलर में, हम रेक्स को रेक्टेंगुलर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पोलर में कर दीजिए, पोलर में कन्वर्ट, पोल 25 कोमा माइनस का 15.92 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू मिलेगी 29.64, एंगल मिलेगा हमें माइनस का 32.488 मतलब 490 एम्पियर, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने इंपीडेंस कैलकुलेट किया है सेकंड ब्रांच का, जैसे हमारे पास इंपीडेंस कैलकुलेट होगा सेकंड ब्रांच का, हम क्या करेंगे अब करंट फाइंड आउट करेंगे सेकंड ब्रांच का। नाउ करंट, तो हमारा सेकंड ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा I2 इक्वल्स टू V अपॉन Z2, V कितना है 230, Z2 कितना आ रहा है 29.64, एंगल आ रहा है माइनस का 32.49 डिग्री, डिवाइड करिए 2 की वैल्यू हमारे को मिलेगी 230 डिवाइडेड बाय 29.64 7.76, एंगल हो जाएगा माइनस का ऊपर डाल के प्लस का, यह आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर लिया, सेकंड ब्रांच के अंदर करंट कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमारे पास दोनों ब्रांच का करंट कैलकुलेट होगा हमें फर्स्ट फाइंड करना है सप्लाई करंट, सप्लाई करंट क्या है हमारे पास, सप्लाई करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2,
I equals to I1 कितना है 7.325 एंगल माइनस का 90 प्लस I2 कितना है 7.76 एंगल 32.49 डिग्री। अब यहां का आप ऑब्जर्व करिए ये दोनों जो करंट है ये पोलर फॉर्म में, आपको हमने बता रखा है हमेशा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में है पोलर फॉर्म में। तो हमारा अब क्या करेंगे, पहले इन पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म में कितनी हो जाएगी 0 माइनस जे 7.325 प्लस इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर 7.76 32.49 वैल्यू मिलेगी 6.54 आरसीएल 10 प्लस का जे 4.168। रियल वैल्यू को पहले लिख देते हैं 6.54 माइनस की वैल्यू 7.325 पॉजिटिव में जी आ रहा है 4. मीन 7.325 माइनस 4.168 कितना मिलेगा माइनस का जे 3.157। ये करंट किसमें आ रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। अगेन पोलर फॉर्म 6.54 कोमा माइनस का 3.157 करंट आ जाएगा हमारे पास 7.26 आरसीएल 10 एंगल आएगा माइनस का 25.76 डिग्री एम्पियर फर्स्ट का आंसर सप्लाई करें। आपको रिमेम्बर होगा मैंने आपको कहा भी था कि कैलकुलेटर की हेल्प से रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो इतनी बार यूज में आता है कि आपका न्यूमेरिकल वो टाइम कंज्यूमिंग में बदल जाए। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्विकली बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। हमने ब्रांच वन का सबसे पहले इम्पीडेंस निकाला के करंट फाइंड आउट किया, ब्रांच टू का इम्पीडेंस कैलकुलेट करके हमने करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। एट द लास्ट आई वन प्लस आई टू क्या दे रहा है टोटल सप्लाई करंट, तो हमने सप्लाई करंट को ऐड करा, पोलर फॉर्म में था हमने फिर उसको कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सोल्व करा देन उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारा फाइनल आंसर ऑप्टेंड। क्या ऑप्टेंड आ रहा है सप्लाई करंट। यहां तक क्लियर है, कंप्लीट करो इसको। आगे देखिए बी क्या पूछ रहा है, सेकंड क्या पार्ट से बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए बी टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस। अगर हम बात करें टोटल इंपीडेंस की तो टोटल इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। हमें टोटल सप्लाई वोल्टेज पता है, टोटल सप्लाई करंट फाइंड आउट होगी, तो अपन डायरेक्ट टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे वी अपॉन आई से। V कितना है 230 एंगल 0 डिग्री, I हमने अभी कैलकुलेट किया है 7.26 एंगल माइनस का 25.76 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 7.26 31.68 एंगल माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो गया 25.76 डिग्री ओम। ये आ गया टोटल इंपीडेंस। सी फाइंड करना है पावर फैक्टर, हड़िया फाइंड करना है हमें पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर कोस फाइव, कोस एंगल लीजिए 25.76 डिग्री, करंट में एंगल माइनस इंडिकेट कर रहा है, पावर फैक्टर हमारा लैगिंग नेचर का आएगा, तो लैगिंग में आएगा आंसर
वैल्यू पुट करते हैं cos phi, cos एंगल आ रहा है 25.76, वैल्यू हो गया हमारे पास 0.9, या क्या हमारा पावर फैक्टर लेगिंग। यहां तक क्लियर है? अपने न्यूमेरिकल्स के कांसेप्ट को प्रॉपर वे में कंप्लीट करते चले चले, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही है जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स को प्रोवाइड करेगी। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।